वापी में कांग्रेस के अन्य भाषा भाषी सेल के कार्यक्रम में यूपी चुनाव के लिए उत्तर भारतीयों से सहयोग की अपील। यूपी और उत्तराखंड असेंबली के होने वाले चुनाव में कांग्रेसियों ने वापी में बसे उत्तर भारतीयों में दम भरा है। गुजरात कांग्रेस के अन्य भाषा भाषी सेल की ओर से रविवार को वापी में हुए सम्मेलन में प्रदेश महासचिव गौरांग पंड्या और दमनदीव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दया भाई पटेल सहित वरिष्ठ कांग्रेसियों ने उपस्थित उत्तर भारतीय लोगों को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मालूम हो कि वापी में यूपी उत्तराखंड के हजारों लोग यहां के कारखाने में काम करने आते हैं और वोटिंग करने अपने वतन जाएंगे। इसी को देखते हुए गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने वापी में सभा करके यूपी उत्तराखंड के लोगों को लुभाने की कोशिश की है। यह कोशिश वोट में कितना तब्दील होती है यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। दक्षिण गुजरात में खास कर वापी दमण और सहवास आजूबाजू विस्तार में लाखों की संख्या में यूपीवासी उत्तराखंड लोग वसे एमने आ चूंटणी में कांग्रेस पक्ष तरफे सक्रिय करवाना इरादा थी आज आ सम्मेलन अन्य भाषाभाषी सेल नेजा हेठ राखेलू जे अहीं उत्साह लोग में जो है एना पर बहुत स्पष्ट लगे कि कांग्रेसीओ पोता संदेशों अहीं यूपी सुधी पहुंचाड़ी कांग्रेस ने विजयी बनावा सक्रिय बन से बधाए ज खूब प्रेरणादायक बातों करी है। कांग्रेस साथीओ कार्यक्रमों में प्रजा में खूब सारो उत्साह अमने जोवा मळ्यो छे। अमने चोक्कस खातरी छे कि आ संदेशो अहींथी यूपीनी चूंटणी में अमारू योगदान पूरु पाडशे अने गुजरात कांग्रेस अने खास करीने वलसाड कांग्रेस नुं पण मोटू योगदान यूपीनी चूंटणी में रहेशे तो पॉजिटिव परिणाम माटे। गुरुभाई जे चूंटणी में जे राज्य में चूंटणी छे तेमां घणा मतदारो पण अहींया आगळ छे अत्यारे पण अहींयामां पण पार्टीए कोई व्यवस्था करी कि अहींथी त्यां आगळ मतदारों ने लई जवाना अमे ए लोकोने पूछ्युं छे કે કોને જવાની કઈ રીતે એટલે ક્યારે જવાની કારણ કે 7 ફેઝમાં ચૂંટણી છે યુપીમાં એટલે અલગ અલગ ફેઝમાં મોકલવા પડે। અમે બધાનું એક લિસ્ટ યાદી બનાવવાનો પ્રયત્ન ચાલુ છે અત્યારે અને જો સમયસર યાદી થઈ જશે તો એમને ત્યાં પહોંચતા કરવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે જેથી લોકો મતદાન કરી શકે અને કોંગ્રેસની તરફ મતદાન કરી શકે।